हाय वीवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जायका इंडिया का पर। आज हम बनाने वाले हैं राजस्थान की फेमस लाल मिर्च की चटनी और बाजरे की रोटी। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थानी लाल मिर्च की चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 10 सूखी लाल मिर्च। इनको हमने पानी से अच्छे से धो लिया है। इसी के साथ हमने यहाँ पर लिए हैं 2 लहसुन के गाँठिए, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून नमक। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसमें 1/4 कप पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। हमारा पेस्ट तैयार है, अब इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हम एक पैन में 1/4 कप तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। आप देख सकते हैं कि लहसुन का कलर ब्राउन हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हमारा तैयार किया हुआ पेस्ट। इन्हें अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसे एक बार चेक कर लेंगे। 5 मिनट के बाद हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम चलेंगे हमारी बाजरे की रोटियों की तरफ। सबसे पहले हम इसके लिए आटा तैयार करेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि हमें आटे को गूंद कर नहीं रखना है। जितनी रोटियाँ बनाएंगे उसी हिसाब से आटा मिलाना है। यहाँ पर हमने 2 रोटियों के जितना आटा तैयार कर लिया है। अब इस तरह से हम बाजरे की रोटी को तैयार करेंगे। हमारी तैयार की हुई रोटी को गरम तवे पर डालकर मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। रोटी एक तरफ से सिक चुकी है, इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। कुछ देर के बाद हम इसे जाली पर रख के इसे सेक लेंगे। अगर आप जाली पर ना सेकना चाहो तो रोटी को पूरी तरह से तवे पर भी सेक सकते हो। अब हम इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। एक बात का ध्यान रहे कि हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है ताकि हमारी रोटी अंदर से भी अच्छी तरह से सिक जाए। आप देख सकते हैं कि हमारी रोटी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारी तैयार की हुई लाल मिर्च की चटनी और गर्मा गर्म बाजरे की रोटी को घी के साथ सर्व कर लेंगे। तो लीजिए, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है लाल मिर्ची की चटनी और बाजरे की रोटी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि राजस्थान की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।